इकाई का विलोम के बारे में बताएंगे कि विलोम किसे कहते हैं, ये क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे किसकी परिभाषा क्या है। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाए तो उसे विलोम कहते हैं। यानी कि जो एक शब्द है उसका हमको उल्टा मतलब निकालना, उसको विलोम कहते हैं। अर्थात किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट हो, यानी कि जब कोई शब्द है तो उसका जो अर्थ है वो उल्टा प्रकट हो रहा है, मतलब मुझे उसका अर्थ जो है वो उल्टा दिख रहा है, तो वह विलोम शब्द कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है, ठंडा गरम, हंसना रोना, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, आना जाना, रात दिन। यानी कि विलोम शब्द में हम लोग ये सीखते हैं कि जैसे हमें एक शब्द दे दिया गया है ठंडा, अब ठंडा क्या है, ठंडा तो कोल्ड ड्रिंक भी होती है, दूध भी होता है, लेकिन अब यहाँ पे ठंडा का उल्टा मतलब क्या है हमारा, गरम। तो गरम क्या है, चाय कॉफी। हंसना, अब इस समय हम हंस रहे हैं, तो अगर हमें हंसना का उल्टा मतलब निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, रोना। इसी तरह से अमीर, कोई अमीर है यानी कि नहीं जो पैसे वाला, गरीब जो निर्धन होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। अच्छा बुरा, हम अच्छे हैं, अब हमारा अच्छा है इसका उल्टा क्या होगा, बुरा। आना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो वो जो हम एक शब्द का जो हम उल्टा अर्थ निकालते हैं, मतलब साधारण शब्द का उल्टा मतलब निकालना विलोम कहता है। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे नई पुरानी, साधारण असाधारण, यानी कि एक साधारण सी चीज़, सिंपल सी चीज़, और ये डिफरेंट टिपिकल असाधारण जिसको समझा ना जा सके, मोटा पतला, छोटा बड़ा, इधर उधर, अंदर बाहर, सुख दुख, भारी हल्का, स्वतंत्र परतंत्र, तेज धीमा, शांत अशांत। तो ये जो मैंने आपको कार्ड दिखाए थे ये सब आपके विलोम शब्द हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखे थे इसी तरह से जो मैंने आपको कार्ड दिखाए ये सारे सब विलोम हैं। तो ये है आपका इकाई का विलोम की परिभाषा और उदाहरण। धन्यवाद।